चैती छठ का आज तीसरा दिन है। इससे पहले खरना पूजा किया गया। इस बीच खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बहाने बिहार में सियासत काफी गर्म हो गई है। सीएम नीतीश कुमार अपने विपक्षी नेता संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख के सरकारी आवास पर सीएम नीतीश कुमार कुछ देर तक रुके और प्रसाद ग्रहण करके वापस लौट गए। ऐसे में मुख्यमंत्री का बीजेपी के नेता के घर आकर प्रसाद ग्रहण करना चर्चा का विषय है। हालांकि संजय मयूख ने कहा है कि आस्था का पर्व है चैती छठ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रसाद ग्रहण करने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रसाद एकदम प्रसाद ग्रहण किया, खुशी हो रही है। आप यहाँ बड़ा कार्यक्रम है समारोह में छठ को लेकर सीएम भी आए। सूर्य उपासना का पर्व है जो पूरा देश पूरा बिहार इस पावन पर्व को मनाता है। हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ इस पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री आए तो कुछ विशेष बात लग रहा है, कुछ विशेष ध्यान है आपको? कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री हमेशा से अभिभावक होते हैं, राज्य के अभिभावक होते हैं और मैं राज्य का एक नागरिक हूँ। क्या मांगे छठी मैया से? नहीं नहीं बिहार की उन्नति प्रगति। जब विजय चौधरी भी आए हुए नहीं, वो उधर मेरी बड़ी बहन कुमुद वर्मा जी के हाथ हैं। साल भर पहले रमजान के महीने में राजद के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी नीतीश इसी अंदाज में पहुंचे थे। अपने आवास से पैदल ही वो राबड़ी के घर गए थे जहां इफ्तार पार्टी का आयोजन था। उसके बाद कयास लगने लगे थे कि नीतीश कोई बड़ा सियासी खेल करने वाले हैं। कुछ ही महीने बाद सच सामने आ गया। इस बार वो बीजेपी के नेता और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय मयूख के घर गए थे, तो फिर इसकी राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगे हैं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।